थंबनेल देखकर आप लोग तो जान ही चुके हैं कि आज का ये जो वीडियो है ये एडेनियम के रिपोर्टिंग और इसके आफ्टर डॉर्मेंसी पीरियड के केयर के बारे में है। तो ये देखिए, ये जो मैंने प्लांट आप लोगों के लिए चूज़ किया है आज दिखाने के लिए, ये देखिए पत्तियाँ भी ख़राब हो चुका है, इसका ग्रोथ भी ठीक से नहीं हुआ है, मिट्टी भी देखिए, मिट्टी में भी लग रहा है कि जान नहीं है। तो ऐसे ही इस तरह के से जो प्लांट है इसको कैसे हम अच्छी तरीके से ग्रोथ देने के लिए क्या क्या करेंगे और पूरा इसका जो केयर है वो पूरा प्रोसेस मैं आगे दिखाऊंगा। तो आप लोग स्किप ना करके पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये देखिए, इसका जो कॉर्टेक्स है ये थोड़ा पतला है, क्योंकि इसके एक और वजह है कि ये जो है कि कटिंग से ग्रो किया हुआ एडेनियम का प्लांट है। तो कटिंग से ग्रो किया हुआ जो एडेनियम का प्लांट होता है उसका कॉर्टेक्स थोड़ा पतला होता है, और जो सीड से ग्रो होता है उसका क्या होता है कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके मोटा होता जाता है। लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि क्योंकि ये मोटा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, इसके थोड़े बहुत केयर करने के बाद ये जो कटिंग से ग्रो किया हुआ जो एडेनियम का प्लांट है ये भी, इसका भी कॉर्टेक्स हम मोटा कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, इसका जो ओवरऑल इसको ग्रोथ देने के, अच्छी ग्रोथ देने के लिए हम रिपोर्टिंग कर लेंगे। रिपोर्टिंग के बारे में एक बात बता देता हूँ कि एडेनियम का जो पॉट हम चूज़ करेंगे, ये पॉट देखिए मैं जैसा पॉट लिया हो इस तरीके से पॉट आप ले सकते हो। एडेनियम के प्लांट को अच्छी ग्रोथ देने के लिए ज़्यादा गहरी या फिर ज़्यादा चौड़ी पॉट हमें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इसको हम ज़्यादा अगर गहरी पॉट देंगे तो इस क्या होगा कि रूट्स को डेवलप करता जाएगा, तो इसके ऊपरी जो ग्रोथ है ओवरऑल प्लांट के वो नहीं होगा। तो इसके लिए ज़्यादा गहरे पॉट भी नहीं चाहिए, और थोड़ा अगर आप कॉर्टेक्स को मोटा करें तो थोड़ा जो ऊपर का सरफेस है थोड़ा चौड़ा होना ही काफ़ी है, जैसे कि दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए कितना ज़्यादा रूट बन चुका है। तो ऐसे ही मैं लगभग 1.5 साल से ज़्यादा इसको इस पॉट में ऐसे ही रख दिया था खिड़कियों के पास। तो पूरा देखिए, पूरा एनर्जी जो है रूट्स को डेवलप करने में ही लगा दिया है, क्योंकि मैं इस स्टेज पर इसको छोड़ दिया था। तो जैसे कि इसका टेंडेंसी है कि अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं एडेनियम के प्लांट को तो ये बढ़ता जाएगा अगर हम प्रूनिंग ना करें, और ये क्या है कि ज़्यादा नीचे है तो इसीलिए रूट्स को चारों ओर से देखिए ये डेवलप कर चुका है। तो हमें तो इतना रूट्स नहीं चाहिए होगा, तो बाकी रूट्स को हम काट देंगे। एडेनियम प्लांट्स के एक खासियत है रूट्स के कि इसको हम लोग अपने पसंद के मुताबिक इसके जो रूट्स है उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मेन रूट्स को अगर हम काट दें तो साइड के रूट्स बढ़ता जाएगा, इसको इसको स्टाइल में भी कर सकते हैं, एक को मोटा कर सकते हैं या 4-5 को भी मोटा कर सकते हैं, तो ऐसे हम इसको शेप दे सकते हैं। तो चलिए बीच में मिट्टी के बारे में बता देते हैं। इस एडेनियम प्लांट के लिए जो मिट्टी चाहिए होता है सॉइल मिक्स, वो थोड़ा सैंडी सॉइल इसको पसंद है। तो इसके लिए आप लोग 40% जो सैंड है रिवर्स सैंड यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो वो 40% वर्मी कंपोस्ट 40% और 20% जो गार्डन सॉइल है वो ले सकते हो। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा गार्डन सॉइल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो गार्डन सॉइल मेरा था तो इसमें सैंड मिला हुआ है, तो इसके लिए मैंने ले लिया है जो सैंड का पार्ट है उसको बरकरार रखने के लिए। तो बस इतना ही। तो ऐसे हम इसको मिक्स्ड कर देंगे। ये मिट्टी थोड़ा कम है क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं तैयार किया हूँ, इसको पॉट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ फंगीसाइड पाउडर, ये भी ऐड करना ज़रूरी है। तो ये भी पॉट के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर लेना। और इसके बाद हम देंगे इसमें जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड, हम लगभग सभी जो गार्डन सॉइल या भी सॉइल मिक्स मैंने तैयार करते हैं हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये जो नीम खली है, तो नीम खली भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड के साथ साथ आप लोग तो जानते हैं कि एनपीके के वैल्यू भी इसमें मौजूद रहता है, इसके एनपीके की मात्रा है 4:1:1। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक जगह पर हम 1 लीटर जितना पानी
ले लेंगे। और उसके बाद इसमें फंगिसाइड पाउडर का, ये देखिए फंगिसाइड पाउडर हम ऐसे पानी में घोल लेंगे। अब इसमें पहले जो एडेनियम के प्लांट को हमने निकाला था और कहा था कि बहुत ज़्यादा रूट्स है तो ये इतना रूट्स हमें नहीं चाहिए होता है, तो उसको निकाल कर जो रख दिया था जो प्लांट था, उस प्लांट को इस घुले हुए पानी में हम ऐसे डुबा कर रख देंगे और ये हम रखेंगे 10-15 मिनट तक। तो ये देखिए ऐसे हम रख दिया है और जो ऊपर का जो हिस्सा है जो पानी में नहीं आ रहा है उसको ऐसे ऐसे जो पानी है इसको ऐसे दे देंगे और बस ऐसे ही इसको रख देंगे 10-15 मिनट तक। ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके फंगल इन्फेक्शन वगैरह से इसको बचाने के लिए। तो ये देखिए जो फंगिसाइड का घुला हुआ पानी था तो उसमें से निकाल कर हम ऐसे इसको हैंग करके रख देंगे 4-5 दिनों के लिए। इससे क्या होगा कि इसके जो प्लांट का जो भूख है वो बरकरार रहेगा और इससे क्या होगा कि इसको जब हम लगाएंगे पॉट में तो इसका ग्रोथ तेज़ी से होगा और बहुत अच्छी तरीके से इसका ग्रोथ होगा। तो ये देखिए ये 5 दिनों के बाद जो एडेनियम का प्लांट है ये मेरा, ये देखिए बहुत लंबा हो चुका है ना, तो इसको मैंने प्रूनिंग ना करके ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके लिए लंबा होता गया। तो अब हम इसके प्रूनिंग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी प्लांट को प्रूनिंग करने से पहले उसका जो प्रूनिंग टूल है आप लोग यूज़ करोगे उसको सैनिटाइज ज़रूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर सैनिटाइज कर लेना सभी अपने अपने टूल्स को कटिंग करने से प्रूनिंग करने से पहले। तो ये देखिए हम ज़्यादा नीचे से नहीं करेंगे, नीचे से भी एक दूसरी तरफ के शेप आप लोग दे सकते हैं दूसरी तरह के। तो हम इस जगह पर जैसे कि साइड के एक ब्रांच है तो इस जगह पर मैं एक कट कर लूँगा, थोड़ा लंबा होने के बाद मैं इसका शेप दूंगा। आप लोग तो देखेंगे ही तो कैसे लगता है, ये अलग अलग टाइप का मैं पार्ट करके वीडियो लाता रहूँगा। तो ये देखिए ये जो कटा हुआ हिस्सा था इसको मैं नहीं फेंकूंगा, ये देखिए इसके जो एक का मैं 3 कट कर लूँगा क्योंकि ये दोनों साइड से ही बहुत लंबा हो चुका था। तो इसको भी हम अलग से लगा लेंगे कि कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है, इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। और ये जो प्लांट है मेरा ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है और इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो। तो ये देखिए जितने भी कट करने की जगह है उस सभी जगह पर मैं फंगिसाइड का जो पेस्ट है इसको लगा लेंगे ऐसे, और इसको लगाने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने देंगे सभी जगह पर। ये देखिए सभी जगह पर जितने भी जगह पर हमने रूट्स को जो बहुत ज़्यादा रूट्स था तो उसको भी निकाल दिया था उस जगह पर भी, और जो कट मैंने ये देखिए ब्रांच को कट किया था उस जगह पर भी, सभी जगह पर ये लगा लेंगे। तो ये देखिए ये जो कटिंग वाला हिस्सा है इसको कैसे ग्रो किया जाता है इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, आप लोग देख लेना उसमें। तो ये देखिए ये जो सॉइल मिक्स है मैंने उसी पॉट में ही ले लिया है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि एडेनियम प्लांट के लिए हमें बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता है, तो इसके लिए फिर से मैं वही पॉट को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो ड्रेनेज होल है ये ठीक हो, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडेनियम प्लांट के लिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऊपर का हिस्सा सूख जाए तब भी पानी डालना और पानी पॉट में ना ठहरे ऐसा ड्रेनेज होल हम आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही ड्रेनेज होल ठीक से देख लेना, और ये देखिए थोड़ा ऊपर करके मैं ये प्लांट को एडेनियम के प्लांट को बैठा रहा हूँ क्योंकि इसका जो रूट है ये देखिए इसका कॉर्डेक्स मोटा हो, ऐसे कि ऊपर थोड़ा हम करेंगे तो इसका कॉर्डेक्स भी मोटा होगा और ये देखिए जो रूट है ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये तो
फ्लावरिंग के साथ साथ ये प्लांट का जो देखिए कॉटेक्स हम तो जानते ही हैं कि एडेनियम के ये सुंदर होता है और दिखने में अच्छा लगे, तो ऐसे ही हम इसको इस तरीके से बैठा लेंगे। बहुत ज़्यादा केयर एडेनियम को नहीं करना पड़ता है। बीच में हम आप लोग बनाना पिल्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डाल सकते हो। तो इसके ऐसे लगाने के बाद हम जो फंगिसाइड का घुला हुआ पानी है उसको फंगल इन्फेक्शन बचने के लिए इसको इसमें जो प्लांटिंग के बाद पानी देते हैं उस पानी को हम यूज़ करेंगे और इसको कुछ दिनों के लिए सेमी शेड वाले जगह पर रख देंगे। उसके बाद फुल सनलाइट में रख सकते हो और प्रूनिंग वगैरह जब जो बताया उस करने से ही आपको सीजन भर बहुत ज़्यादा ढेर सारा फ्लावर मिलता रहेगा, साथ ही साथ प्लांट भी आहिस्ता आहिस्ता दिखने में सुंदर होता जाएगा। तो इसका भी मैं अलग से उसके इसके बाद का ग्रोइंग फर्टिलाइज़र सब का टिप का जो है कि वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए।